सुशासन की राज में राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र मारूफगंज मंडी इलाके का है, जहां बैंक में 10 लाख रुपए जमा करने गए मंसूरगंज के व्यवसाय से तीन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर रुपए की लूट की। वहीं व्यवसाय द्वारा रुपए लूटने के दौरान विरोध किए जाने पर अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया। लूट की घटना का अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। फायरिंग कर भागते हुए अपराधी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं दिन दहाड़े लूट की घटना को लेकर मंडी के व्यवसायियों में खासा आक्रोश है। लूट की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने घटना स्थल से दो जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किया है। हमने देखा है कि मेरा भतीजा है जो मुझे साइकिल लेकर बुलेट लेकर के निकला और निकलने के बाद 5 मिनट में ही पूरा खल्ला हुआ कि लिख हो गया मनीष कुमार को। कि हम लोग गद्दी पर बैठे हुए तो देखा कि एक मोटरसाइकिल से दो लड़का, एक मोटरसाइकिल से तीन लड़का निकला। देखते हुए निकले ठेला वाला को रिवाल्वर दिखाते हुए, नकाशी होते हुए, मछुआ टोली होते हुए मछली करने का। कितना कैश था? 15 लाख। दाल के जो है व्यवसायी हैं, ये अपना पैसा लेकर के जा रहे थे, बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान जो अपराधी वगैरह एक घटना की गई है, भी उनसे बात हुई है, जो पीड़ित हैं उनसे बात हुई है, बता रहे हैं 10 लगभग का अमाउंट था उनके पास। परंतु हम लोग जो है देख रहे हैं, सारे एंगल पर जाँच कर रहे हैं। जल्दी कितनी संख्या में अपराधी थे सर? ये उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि 3-4 होंगे या और भी होंगे, लोग लाइनर भी हो सकते हैं। गोली कितने लोग के सुन को लगी सर? लोग कैसे? सोनू नाम है उनका, जो पैर में जो है। और उनके साथ कौन था? नहीं, सोनू नाम है उनका, पैर में गोली। बताया जा रहा है कि दो लोग साथ में थे, उनका भाई है। अच्छा। गोली सोनू को लगी। क्या स्थिति है उसकी सर? ठीक है, बात हुई थी उनका, इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पटना SSP और CT SP और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरे के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज पटना।